22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजे। भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 500 सालों की प्रतीक्षा पूरी हुई। रामधुन से पूरी अयोध्या गूंजी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन 5 लाख से अधिक भक्तों ने राम मंदिर पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए। भीषण ठंड और घने कोहरे की परवाह किए बिना ही राम भक्त अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की बात करें तो यहां घना कोहरा छाया हुआ है। अयोध्या भीषण ठंड से जूझ रहा है, इसके बावजूद लोगों में रामलला के दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगला आरती के साथ ही दर्शन अभी भी जारी है। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। नगरी के बारे में मेरा कहना, अयोध्या दिल से और तन से मन से, और जो मैंने 22 तारीख को भव्य नजारा देखा टीवी लाइव से, वो मेरे जीवन की दूसरी दिवाली मैंने मनाई है। अपने जीवन काल में दूसरी दिवाली मैंने मनाई है एक साल के अंदर। इससे मैं बहुत अद्भुत और खुश हूँ और प्रसन्न हूँ। और मैं सबको संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग समय निकाल कर एक बार अयोध्या नगरी का दर्शन करें, आकर उसको भव्य है और भव्य बनाए दर्शन करके। रामलला की मूर्ति देखी आपने अभी तक? गए हैं दर्शन करने? अभी मैंने सिर्फ सरयू स्नान किया है। अब मैं 11:30 बजे मुझको टाइम मिला है जो मैं राम दरबार के दर्शन करूंगा। सरयू स्नान कर लिया? जी। सरयू स्नान कैसा रहा? सरयू स्नान, हाँ, पानी तो ठंडा था ही, लेकिन जब पानी के अंदर थे तो वो ठंडकपन सब दूर हो गई स्नान करने के बाद। भक्ति में सब कुछ चलेगा? सब कुछ। सर, मैं कानपुर से आया हूँ। जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? इस समय तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, क्योंकि मैं हर बार आता हूँ, इस बार में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया है। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने हिमांशु भैया का, जो यही हमको लेके आए हैं। और भी हम लोग अपने राजा राम के राजमहल को देखेंगे जाकर, तो वो दृश्य ही अलग होगा, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। मूर्ति टीवी पे देखी है, लेकिन अब जब तक सामने से दर्शन होंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी इस मन को। हाँ, लगा के आए हैं डुबकी सब लोग, भाई लोग सब लोग लगा के आए हैं डुबकी। इतना ठंडा पानी होते हुए भी कोई ऐसा नहीं है जिसने शायद ही ना लगाई हो।